दुनिया भर में लाखों करोड़ों ऐसे क्राइम्स हैं जो अपने अंत नहीं देखे, जिन्हें अनसॉल्व या अनसुलझा राज के नाम से हम पढ़ते या देखते हैं। क्या वजह होता है एक क्राइम को अनसॉल्व बनने में? कूनी या क्रिमिनल का फुल प्रूफ प्लान, इन्वेस्टिगेशन की खामियां या सबूतों के अभाव, जो भी वजह हो, ये अनसॉल्व केसेस विक्टिम्स के परिवार के लिए असहनीय दर्द देते हैं। एक गांव को सूखने के बाद फिर से कुरेद कर हरा करने जैसा है ये। इंडिया में भी कई सारे केसेस हैं जिसमें या तो क्रिमिनल मिला ही नहीं या सबूतों के अभाव से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। आज हम कुछ ऐसे अनसॉल्व केसेस देखेंगे जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। अदनान पत्रावाला। 18 अगस्त 2007 को मुंबई के बिजनेसमैन असलम पत्रावाला के 16 साल का बेटा एक मॉल में अपने 5 दोस्तों से मिलने जाता है। ये दोस्ती ऑर्कुड से हुई थी और 500 लोग अदनान को मिलने के लिए मॉल बुलाए थे। अदनान उनसे मिलने अपने पिता के स्कोडा में जाता है। अदनान जिसे दोस्त समझ रहा था, वो लोग असल में उसे किडनैप करके बड़ी फिरौती लेने के फिराक में थे। सुजीत नायर, राजीव धरिया, आयुष भट्ट और अमित कौशल और उनके साथ एक माइनर था जिसका नाम कभी पब्लिक नहीं किया गया। पांचों अदनान के कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की गोलियां मिलाकर उसका किडनैप कर लेते हैं। दूसरे दिन सुबह अदनान के पिता को फोन करके उनसे अदनान के बदले 2 करोड़ रुपए मांगते हैं। अदनान के पिता तुरंत पुलिस को इत्तला करते हैं और किडनैपिंग का केस टीवी चैनल्स पर छा जाता है। इससे घबराए अदनान के दोस्त उसे नवी मुंबई के एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और उसका गला दबाकर उसे मार डालते हैं। फिर उसके लाश को झाड़ियों में छुपाकर भाग जाते हैं और कोर्ट के मैसेजेस के बदौलत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कोर्ट में इन्हें अपराधी साबित करने में प्रोसिक्यूशन विफल हो जाता है और इसके चलते 30 जनवरी 2012 को चारों को इस केस से बरी कर दिया जाता है और माइनर का केस जूनल में चल रहा था। अगर इनमें से किसी ने भी अदनान को नहीं मारा तो अदनान को किसने मारा? बियरमैन किलर। अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच मुंबई में 6 लोगों का कत्ल हो जाता है। हर लाश के पास पुलिस को एक बियर का कैन बरामद होता है तो पुलिस को लगता है कि ये कोई सनकी सीरियल किलर का काम है। जनवरी 2008 में हुई 7वें कत्ल में रविंद्र कंट्रोले नाम का आदमी को इन सीरियल किलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक साल में यानी 2009 में रविंद्र कंट्रोले को सबूतों के अभाव से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। रविंद्र कंट्रोले कोर्ट से रिहा होने के बाद होटल चलाने लगता है। अगर रविंद्र कंट्रोले सीरियल किलर नहीं है तो उन 7 लोगों को मारा किसने? और क्या वो बियरमैन सीरियल किलर हमारे बीच आज भी आजाद घूम रहा है? द मद्रास मर्डर। ये शायद इंडिया के इतिहास का सबसे महंगी क्रिमिनल केस है, जिसे जीतने के लिए एक राजा को अपनी 12,000 हेक्टेयर की जमीन बेचनी पड़ी थी। उतना ही नहीं, ये इंडिया का सबसे सनसनीखेज मर्डर है। 5 अक्टूबर 1919 को तब के मद्रास यानी आज के चेन्नई के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज न्यूविंगटन हाउस के प्रिंसिपल देला हाये को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। न्यूविंगटन हाउस कॉलेज कोई आम कॉलेज नहीं था, या कहिए वो आम लोगों के लिए नहीं था। वहाँ भारत के अलग अलग राज्यों के या राजघरानों के युवराजों को पढ़ाया जाता था। वहाँ उन्हें अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाया जाता था, जैसे बंदूक चलाना, घोड़ा चलाना, टेबल पर खाना खाने के तरीके और भी क्या क्या। इस कॉलेज के प्रिंसिपल के कत्ल से ब्रिटिश एम्पायर हिल गया था। इन्वेस्टिगेशन में हॉस्टल से 2 राइफल बरामद होते हैं तो पुलिस के संदिग्ध बनते हैं कदमपुर के युवराज और सिंगमपत्ती के युवराज। ये दोनों साउथ इंडिया के सबसे अमीर राजघरानों में से थे। जब ब्रिटिश कोर्ट में एक केस चला तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। दोनों भारत के सबसे महंगे लॉयर्स को और तो और लंदन से भी लॉयर्स को लेकर आते हैं। ट्रायल में जूरी ने कदमपुर के युवराज को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। तो अब सारा शक सिंगमपत्ती के युवराज पर था, तो इस केस को लंदन के कोर्ट में लेकर गए और वहां जीते। सिंगमपत्ती के राजा को अपने युवराज को बचाने के लिए अपने 12,000 हेक्टेयर के मंजोलाई टी एस्टेट को बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को बेचना पड़ा। इन दोनों ने प्रिंसिपल का कत्ल नहीं किया तो किस राज्य के कौन से युवराज ने किया था? स्नेहा गवारे मर्डर केस। 20 जुलाई 2007 को महाराष्ट्र के थाने के डोंबिवली में रहने वाली 21 साल की स्नेहा गवारे गुम हो जाती है। उसकी माँ जो एक टीचर थी, शाम को अपने काम से घर लौटती है और स्नेहा उन्हें घर पर नहीं मिलती है। स्नेहा को घर पर ही होना चाहिए था क्योंकि स्नेहा के पैर में चोट आया था, इस वजह से वो कॉलेज नहीं गई थी। घबराई माँ उसे फोन लगाती है जो नॉट रीचेबल आ रहा था। माँ स्नेहा के दोस्तों को और स्नेहा के बॉयफ्रेंड हितेन राठौड़ को फोन लगाकर पूछती है, लेकिन स्नेहा का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को स्नेहा उसके ही कमरे के उसके बेड के नीचे ड्रॉवर में मिलती है। उसका मुंह पर कपड़ा ठूसा गया था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो स्नेहा की माँ बताती है कि स्नेहा के गले का सोने का चेन और मोबाइल जो था नोकिया N72 गायब है। पुलिस ने पता लगाया कि फोन एक मोबाइल के दुकान पर बेची गई है और दुकानदार के मदद से स्केच बनवाते हैं। स्नेहा के कत्ल के कुछ ही महीने बाद उसका बॉयफ्रेंड पढ़ने के लिए अमेरिका चला जाता है। अप्रैल 4, 2010 को केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। अगले दिन ही क्राइम ब्रांच स्नेहा के बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लेते हैं जो अमेरिका से इंडिया आया था क्योंकि उसके पिता गुजर गए थे। एक साल के बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया कि उनके पास हितेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इस वजह से उसे इस केस से बरी कर दिया जाए। स्नेहा के साथ बलात्कार नहीं हुआ था और उसके कमरे में से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। आज भी स्नेहा गवारे का मर्डर केस अनसॉल्व्ड है। अमर सिंह चमकीला। पंजाब के बहुत ही जाने माने
जाने गायक थे जो गाने भी लिखते थे और कंपोज भी करते थे। अमर सिंह और उनकी पत्नी अमरजोत जो उनके साथ गाती थी 8 मार्च 1988 को मेहसानपुर पंजाब में एक शो के लिए जा रहे थे। दोपहर के 2 बजे बैंड को मोटरसाइकिल में कुछ लोग रोकते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। अमर सिंह, उनकी पत्नी और उनके ग्रुप के 2 सदस्यों का मौके पर ही मौत हो जाती है। अमर सिंह अपने गाने ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जवानी, शराब, ड्रग्स और गुस्सेल पंजाबी आदमियों पर लिखते थे जो समाज के कुछ लोगों को नापसंद था। वे इन गानों को गंदा समझते थे। कहते हैं इसी के चलते अमर सिंह का कत्ल हुआ, जबकि अमर सिंह, उनकी पत्नी और 2 बैंडमेट्स का दिन दहाड़े बीच रास्ते कत्ल हुआ था। लेकिन ना ही किसी को इस केस में संदिग्ध बनाया गया, ना ही कोई अरेस्ट हुआ। स्टोनमैन मर्डर्स। जून 1989 से शुरू होकर अगले 6 महीने तक कलकत्ता में कम से कम 13 बेघर लोगों का कत्ल होता है। सभी विक्टिम्स के चेहरे और सिर पर भारी पत्थर से वार करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन जांच में ये पता नहीं चला कि क्या ये 13 कत्ल एक ही आदमी ने किया या कोई और पहले कत्ल का नकल कर रहा था। जो भी हो, इन कत्लों के लिए कभी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, जिसके चलते स्टोनमैन मर्डर्स इंडिया के सबसे पुराने कोल्ड केसेस में से एक है। ये है अनसॉल्वड इंडिया। फिर मिलते एक नए केस के साथ। अलविदा।